नमस्कार, विभ दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। कश्मीर मुद्दे पर फिर बोले पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। भारत को एक बार फिर भड़काते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने ईद उल अजहा को कश्मीरियों के सर्वोच्च बलिदानों के प्रति समर्पित कर दिया और कहा कि जब तक कश्मीर का मुद्दा सुलझ नहीं जाता तब तक पाकिस्तान ऐसा करना जारी रखेगा। शरीफ ने ईद के मौके पर भेजे अपने संदेश में कहा कि हम कश्मीरियों के बलिदानों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बलूचिस्तान आंदोलन को बड़ा झटका, नहीं मिला अमेरिका का साथ। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान की एकता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है और बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि सरकार की नीति यह है कि हम पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करते हैं और हम बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करते। मारा गया कुख्यात आईएस आतंकी अदनानी। पेंटागन ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि पिछले माह उत्तर सीरिया में अमेरिका के हवाई हमले में इस्लामिक स्टेट का नेता और प्रवक्ता अबू मोहम्मद अल अदनानी मारा गया था। पेंटागन के प्रेस सचिव पीटर कुक ने कहा कि सीरिया के अलबाब के पास हुए हमले में आईएसआईएल का प्रमुख प्रचारक, जो आतंकियों की भर्ती करता था और बाहरी देशों में आतंकी गतिविधियों की रूपरेखा तय करता था, उसकी मौत हो गई है। चीन के एक हवाई अड्डे पर 5 भारतीय मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में गिरफ्तार। चीन के हुनान प्रांत में एक हवाई अड्डे पर 5 भारतीय भारत से कथित रूप से 18 किलोग्राम गांजे की तस्करी करने को लेकर गिरफ्तार किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 7 सितंबर को कोलकाता से कुनमिंग हवाई अड्डे पर पहुंचने पर इन पांचों को पकड़ लिया गया, क्योंकि उन्होंने खाने के पैकेटों एवं लैपटॉप बैगों में गांजा रख रखा था। हवाई अड्डे पर स्कैनरों से इन ड्रग पैकेटों का पता चला, अधिकारियों ने बताया, क्योंकि गिरफ्तारी की सूचना भारतीय अधिकारियों को दे दी गई है। कावेरी विवाद पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हिंसा किसी समस्या का हल नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु में उत्पन्न घटनाक्रमों पर दुख प्रकट किया है और इस बात पर बल देते हुए शांति की अपील की कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं प्रदान कर सकती। उन्होंने कहा कि विवाद का हल केवल कानूनी दायरे में हो सकता है। प्रधानमंत्री ने विश्वास प्रकट किया कि लोग राष्ट्रहित एवं राष्ट्र निर्माण को अन्य बातों से ऊपर रखेंगे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।